नमस्कार, न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। क्राइम के मुद्दे पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार नीतीश कुमार पर हमलावर दिख रहे हैं। इन सब के बीच एक बार फिर से नीतीश कुमार को तेजस्वी यादव ने लेटर लिखा है और इस लेटर को तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को मेल भी कर दिया। खुद तेजस्वी यादव सुना रहे हैं कि इस लेटर में उन्होंने क्या कुछ लिखा है। इस लेटर में तेजस्वी यादव ने क्या कुछ लिखा है, सुनिए तेजस्वी यादव की जुबान। आज हमने कुछ देर पहले एक चिट्ठी लिखी माननीय मुख्यमंत्री जी को और हमने ईमेल कर दिया है। हम चाहेंगे कि इस चिट्ठी को आप लोगों के सामने रखें। लेकिन कौन कौन सी घटनाएं हो रही हैं? मधुबनी में बच्ची का आंख निकाल लिया जाता है, जो गूंगी बहरी बच्ची थी, रेप किया जाता है। मुजफ्फरपुर में आप देखे होंगे कि घर में घुस करके रेप करके जला दिया गया। ऐसे ऐसे अपराध जो हम लोगों ने नहीं देखे। कल हम रुपेश सिंह जी के परिवार से मिलने हम खुद जा रहे हैं छपड़ा, और कहीं ना कहीं से 72 घंटे से भी ज्यादा हो गया, एक सुराग तक नहीं मिला, कोई गिरफ्तारी नहीं हो रही है। हमको लगा कि बिहार में एक चिट्ठी माननीय मुख्यमंत्री जी को लिखनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी, विगत कुछ दिनों में लूट, चोरी, डकैती, रंगदारी, बलात्कार, अपहरण एवं हत्या की घटनाओं में बेतहाशा वृद्धि हुई है। केंद्र सरकार के आंकड़े भी बिहार की दयनीय कानून व्यवस्था को प्रमाणित करते हैं। चर्चित आपराधिक घटनाओं तो सुर्खियां बनती हैं, परंतु जिला मुख्यालय सहित पंचायत स्तर पर प्रतिदिन अनगिनत हत्या, बलात्कार जैसी घटनाओं का तो जिक्र तक भी नहीं होता है। दुर्भाग्यपूर्ण है कि आप जितनी ऊर्जा एवं समय दशकों पुरानी इतिहास खोदने में जाया करते हैं, अगर उसका अंश मात्र भी तत्परता से विधि व्यवस्था को सुदृढ़ करने में निवेश करते तो कुछ सकारात्मक परिणाम दिखाई देता। आप अपने प्रशासन को जवाबदेह बनाने की बजाय सारा ठीकरा इतिहास पर फोड़ते हैं। बिहार का आम आवाम कह रहा है कि आपके 15 वर्ष के कुशासन से कहीं ज्यादा सुनहरा अतीत था। आपके अधीन गृह विभाग तो अपराध सृजन का मुख्य केंद्र है। सत्ता संपोषित और संरक्षित अपराधी आपके ताज को शोभा बढ़ा रहे हैं। प्रशासन में आप आम आदमी की क्या जनप्रतिनिधियों की भी कहीं कोई सुनवाई नहीं होती। आपके अधिकारी फोन तक नहीं उठाते हैं। आपके चितवन पर बेबसी, लाचारी और थकान स्पष्ट परिलक्षित हो रही है। आपके वरिष्ठ गठबंधन सहयोगी ही आपकी कार्य क्षमता, कार्य कुशलता और संवेदनशीलता पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। कानून अपना काम कर रहा है। हम ना किसी को फंसाते हैं ना बचाते हैं। जैसे कालग्रस्त जुमलों से अब काम नहीं चलेगा। अपराध मुक्त बिहार बनाने के लिए विपक्ष सरकार को हर तरह से सकारात्मक सहयोग प्रदान करने के लिए तैयार है। आप बिहार में आई हत्या, लूट, बलात्कार, अपहरण की सुनामी को रोक आम जन को बचाइए। माना कि आप थर्ड ग्रेड की पार्टी के नेता होने के बावजूद बकौल आपके जबरन मुख्यमंत्री हैं, लेकिन आप अपनी संवैधानिक जिम्मेवारियों से नहीं भाग सकते। बिन मांगे सुझाव है कि आप पूर्वग्रह समीकरण और पदों की नीलामी त्याग कर कर्मठ, जुझारू और योग्य अधिकारियों को पदस्थापन कीजिए। अंततः राजहित में आपसे पूर्ण विनम्र आग्रह है कि निष्पक्षता एवं प्राथमिकता के आधार पर विधि व्यवस्था को सुदृढ़ कर
राजवासियों को भय मुक्त करें, अन्यथा बिहार की जनता आपको कभी भी माफ नहीं करेगी एवं इतिहास के फुटनोट में भी जगह नहीं मिल पाएगी। ये चिट्ठी हमने कुछ देर पहले मेल किया।